हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेरी मच, थैंक यू। और देखो बड़े, आज हम है मीनू मौसी, और रोज आ जाते हैं और कौन ना कौन से बात करते ही रहते हैं। और आज देखो हमारे संगी कौन है, गुल खान प्रोड्यूसर साहिबा। सही कह रहे, ये इनके जो सीरियल आते हैं ना, इशकबाज और कौन सो, और ये नजर, और बहुत सारे सीरियल इन्होंने कर, कुल्फी कुमार बाजे वाला, बहुत से बड़े बड़े फेमस फेमस सीरियल करे हैं इन्होंने। और अब नौ सीरियल लेके आ रही है नमक इश्क का। तो चलो आओ बड़े, आज हम इनसे बात कर लें और जान लें कि भैया का है जे सीरियल में। भैया इनके तो सीरियल एकदम धांसू और मजेदार होते हैं। तो पहले तो स्वागत है सास और बहू और बेटियन में गुल खान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? एकदम फिट, आप कैसी हैं? बस हम तो एकदम बढ़िया, रात बस खास पी तो एकदम टनाटन बढ़िया फिक्स। अच्छा ये बताओ, हम जब से सुने हैं एक नौ सीरियल लेके आए रही हो तुम, तो भाई कहाँ है सीरियल में? बहुत बेकरार है हम जन बेकार, जो हमारे दर्शक को जानना चाहते हैं। एकदम मतलब धमाकेदार सीरियल, एक नचनिया की कहानी है और उसके प्यार की कहानी है, और उसके साथ शादी के बाद क्या होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी कहानी है। और साथ में थ्रिलर भी है, थोड़ा सा जादू भी है, सब कुछ मिलजुल के एकदम धमाकेदार कहानी है आपके लिए और सारे अरे दर्शकों के वाह, लिए। तो जी हमें जिस बताओ, हम मतलब ये जानना चाहते हैं, हर प्रोड्यूसर से हमारी इच्छा है जानने की कि जी कहानी कहाँ से आती है दिमाग में बड़े, मतलब सोच के एकदम। सास बहू का ड्रामा तो ठीक है, चलो चलता है, लेकिन जो अलग अलग कहानी एकदम दिमाग में आ जाती है कैसे? अब क्या बताएं, दिमाग में कहानियां बनती रहती हैं, उनको बनाना पड़ता है। नहीं बनाओ तो कहानी फिर दिमाग में से ठक 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 दरवाजा ठक ठक आती रहती है तो जब तक अच्छा, वो बनाओ नहीं कहानी तो वो बुलाती रहती है कहानी। पर लेकिन कहानी कहीं ना कहीं है ना, कहा कही जाते हैं, लोग कहते हैं रियल जिंदगी से वो मेल खाता है। तो कहा कहे ये जो नमक इश्क कहानी है जो नचनिया की, कौन है वो में, और वो नचनिया कैसे है, मतलब काहे के मारे नाच रही है, कहा है, मतलब कहानी को थोड़ा बहुत बता दी, कहा है तो कहानी? जो आपने बोला वो एकदम सही बात है कि हर कहानी असली जिंदगी से मिलती जुलती है। तो एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे, स्पेशली बिहार हरियाणा साइड में, जहाँ पे वो लड़कियां स्टेज पे नाचती हैं और बहुत सारे लोग उनको देखने आते हैं। और वहां पे इतना वो नहीं था, मतलब आप जब देखेंगे जब वो लड़कियां नाच रही होती है तो शादियों में भी आती हैं, और जो देखने वाले दर्शक होते हैं उसमें महिलाएं और बच्चे भी बैठे रहते हैं और लोग बंदूक भी चलाते रहते हैं साथ में। तो एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है, ऐसा होता है। तो वो जो है वो माहौल हम लोग पकड़ना चाहते थे और उस माहौल की एक कहानी बनाना चाहते थे। अच्छा, तो मतलब पूरा देसी अंदाज है जी कहानी में है। एकदम देसी अंदाज। अच्छा, कौन और से शहर और से, कौन बोलिए। से शहर की कहानी है, मतलब कहाँ, हरियाणा की कहानी है कि जे अपने बिहार साइड की कहानी है? नहीं, बिहार साइड की कहानी है, एकदम बिहार साइड की कहानी है। और हम लोग ने जो म्यूजिक है वो भी बिहार का ही लिया है, जैसे जो हमारी हीरोइन जिसको शो में सब नचनिया बोलते हैं, तो वो जो गा रही है लगा लू जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, तो वो जो पूरी फीलिंग है ना वो जिला टॉप लागे लू, तो एकदम उस तरह धमाकेदार कहानी है। अच्छा, तो बड़े जे हमारे जमाने में का कहे जाते नौटंकी जो होते हैं, वही तो नहीं है जो नौटंकी में नाचते हैं, फिर लोग आते हैं बैठते हैं और खूब मजा लेते हैं डांस को? हाँ वैसे ही कहानी है कि सब लोग कहानी है तो उसमें मजा मस्ती भी है। और थोड़ा सा हम लोग ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि डांस देखने सब लोग आते हैं, लेकिन जब वो नचनिया से शादी करने की बात होती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं ये शादी करने के लायक नहीं है। अच्छा, तो मतलब जे कहा जाए तो जो नचनिया है ओ की निजी जिंदगी की कहानी है कि ओ की निजी जिंदगी में काका होत, एकदम करेक्ट, तो ये वो की काउ से निजी मेल जिंदगी में खाते हैं? क्या क्या हो और उसके बाद उसकी जो मुश्किलें हैं और वो सब है कि वो जब प्यार करती है तो सब लोग उसको बोलते हैं एक नचनिया प्यार कैसे कर सकती है, वो जब शादी करती है तो लोग बोलते हैं एक नचनिया बहू कैसे हो सकती है, तो वो सारी उसकी मुश्किलें हम दिखाएंगे। अच्छा, तो एक और बात बताओ, जे कहा कही जाता है काउ की रियल जिंदगी से मेल खाता है, कौन है? मतलब देखो हम तो बहुत सारी जानत है, ये सपना चौधरी, हम उनसे बात करे आते एकदम वैसी उन्हीं की जैसी कहानी है का? देखिए कहानी उनके जैसी नहीं है, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है हम लोग ने वो वैसे ही। सपना चौधरी के बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, और जो क्राउड जैसे पागल होता है जब वो वहां पे जो फेमस नाचने वाली है उनके लिए वगैरह, तो वहां से हम लोग ने काफी इंस्पिरेशन ली है कि अगर वो एक लड़की है वो इस तरह से नाचती है, इतनी पॉपुलर है, उसके पीछे पूरा मतलब स्टेट ही दीवाना है, तो उसकी पर्सनल जिंदगी कैसी होती होगी।
तो किसी अच्छा पर्टिकुलर तो लड़की से मेल नहीं खाती है, लेकिन इंस्पिरेशन वहीं से है। अच्छा तो सही बात है, कोई तो कोई इंस्पायर्ड हुई है तो वही तो कहानी बनी है। अच्छा एक और बात, जे का कही जाते, देखो सीरियल की कहानी तो दिमाग में आ जाती है कलाकारों किरदारों दिमाग में आ जाते, लेकिन वो किरदार में कौन सा कलाकार फिट बैठी है, कौन सा वो किरदार निभा लिया, कौन सा सितारों, जे कैसे दिमाग में आते। वही दिमाग में आता है, इसलिए तो प्रोड्यूसर है ना। तो वही तो जाना चाहते हो, पता चलो हमको कि वो प्रोड्यूसर बन जाए, थोड़े बहुत तो ट्राई मार लें, हैं थोड़ी हम कोशिश कर लें, सीख लें तुम हाँ पे। ऐसे मतलब उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, या आपके मतलब आपकी नजर होनी चाहिए, आपने देखा किसी को और आपको लगता है वो ये तो बहुत अच्छा काम कर सकती है, तो फिर आप उसको कास्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो वैसे एक दिमाग बात, से ज्यादा नजर का काम है। हाँ एक बात कहें गुल खान जी, हाँ भाई जी नजर बहुत ही पारखी है, जो जो सीरियल बनाए हैं तुमने, और बेबे सीरियल में सारी की सारी हीरोइनें बड़ी हिट और फिट भई हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा। अरे हम एक बात बताएं, हम इन बिन तय को का कही जाता है, बेनियती से एक बार हमने बात करी थी, बिन्ने ने तुम्हारी बड़ी तारीफ करी कि भैया मतलब गुल खान के संगे काम करके जो मजा आओ है बकाऊ में मजा ना आए, तो का कहेंगे ऐसी का खासियत है मतलब तुम्हारी की मतलब लोग तुमसे प्यार करने लगते हैं। अब उसमें मैं क्या बताऊं, आप उनसे पूछिए। नहीं बिन्ने तो कही कि तुम्हारा नेचर जो है बड़ो एकदम प्यार करवे वालों और एकदम सॉफ्ट, कभी चिल्लाओ नहीं तुमने, मतलब ऐसो है, तो थोड़ा बहुत बता भाई अपने बारे में, जो इंसान जानत है अपने बारे में तो कुछ तो जानत है। अपने अपने बारे में तो सब अच्छा ही सोचते हैं, ये बात नहीं, ये बात तो सही कही, दूसरे अच्छा बोले तब मजा आएगा। दूसरे तो हमें अच्छा ही बोला था तुम्हारे बारे में। अच्छा एक और बात, ये जो कहानी है नमक इसका, ये कब आई दिमाग में, मतलब अबे लॉकडाउन के दौरान आई कि पहले आ चुकी आती, उस पर काम चल रहा हो तो। एक्चुअली मुझे ना भोजपुरी बेल्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले 4-5 साल पहले मैंने भोजपुरी फिल्म लिखी थी और मैं भोजपुरी फिल्म बनाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई। मुझे वहाँ का म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसे स्पेशली ये अच्छा जो जिला टॉप लागे लू ना, मेरा फेवरेट गाना है, मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगता है। तो मैं चाहती थी कि ऐसा कोई शो बनाए जिसमें हम वो लैंग्वेज, वो डांस, वो म्यूजिक यूज कर सकें। तो मतलब इसलिए तो नमक इश्क बहुत मेरे दिल के नजदीक है, क्योंकि वो म्यूजिक भी मुझे बहुत पसंद है, वो कल्चर भी मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस शो को लेके। तो मतलब कुछ नव और अच्छो देखने काजे मिले, और वैसे भी वहां की पूरी जो जनता है वो तो देखना चाहता है कि कैसे गुल खान जी टीवी पे दिखाती हैं सीरियल में है। हाँ एकदम, मैं वेट कर रही हूँ कि मतलब वो शो कब ऑनर जाएगा और हमें वहां से कैसा फीडबैक मिलेगा। हम तो कह रहे हैं एकदम परफेक्ट और अच्छो फीडबैक मिले हैं, बाकी पहले सारे सीरियल में इतने अच्छे फीडबैक मिले हो तो अब हम अच्छो मिले हैं, हम कह दे रहे हैं हमारी बात एकदम पक्की होते और सच्ची होते, सही कह रहे हैं। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। बात ही शक्कर, हम तो गुड़ खाते। चलो कोई नहीं, तुम पे बात करके बड़ो अच्छो लगो, और हम देखें जैसे ही लॉकडाउन फॉकडाउन खत्म होए और जो कोरोना फरोना चलो जाए, फिर आइए मिलते काजे सेट पे, दिखे आए के बिल्कुल भैया कैसे बिल्कुल सीखे हो है, तो बिल्कुल, का कहो जाने से पहले अपने दर्शकन से। मैं कहूंगी कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम उस तरह की कहानी बना सके, एंड आई होप कि आप सब देखें, देखिएगा जरूर, और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगे। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी दर्शकों से कह दे रहे कि नमक थैंक यू इश्क का आपके टाइम का, देखो थैंक यू। आपके समय का, भैया आपने हमारे लिए समय निकालो वही बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कह दे रहे सीरियल आए रहो जल्द से जल्द देखियो, देखना ना भूलियो, इश्क नहीं नमक इश्क का है, सही कही। का हाँ सही और कही, सास और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलियो, कैसे यही खबर देते सारी है। बाय बाय टाटा।